सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्योर अगेन सेंटर पर। सो गाइस, आपको ये पता होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन बनेगा करोड़पति का सेट मराठी में। मतलब गाइस, जो मराठी हिंदी का तो आप देखते ही होंगे जिसमें अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, बट वो तो मैंने आपको बताया था। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन बनेगा करोड़पति मराठी सेट इन माइनक्राफ्ट गाइस। सो हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूले, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूले गाइस। सो चलिए चलते हैं अब माइनक्राफ्ट पे। सो ये हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के कौन बने करोड़पति के मराठी के सेट पर। सो देख सकते हैं गाइस, ये है कौन बने करोड़पति का सेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटीरियर, आपको बता दिया है एक्सटीरियर पे। देखिए ये है लेफ्ट साइड का गाइस, और देख सकते हैं आप, और ये है पीछे का। अब मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड का, देख सकते हैं कितना बड़ा है। अब हम चलते हैं मेन एंट्रेंस गेट पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस गेट पर। सब हम जाएंगे कौन बनेगा करोड़पति के सेट के अंदर। तो चले चलते हैं, ये आता जाए एंट्रेंस गेट जहाँ पर लिखा है कश्य होनार करोड़पति। अब हम जाएंगे इसके अंदर गाइस, चले चलते हैं। अब देख सकते होंगे गाइस, ये है पूरे का पूरा है देखिए। बट हम जाएंगे इसके ऊपर, आप देख सकते, चले चलते हैं ऊपर। और ये देखिए गाइस, इसके बाद कुछ इस तरह का आ जाता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए देख सकते हैं आप, देखिए आप गाइस। सो गाइस, मेन जो सेट है ये शो आपको पता होगा सोनी मराठी पे आता है। अगर आप नहीं देखते तो देखना ज़रूर पसंद करना, अगर आप देखते हैं तो मुझे बताना कि वो शो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो शो आपको कैसा लगता है। चले चलते हैं हम, चलिए देखिए ये पूरा का पूरा है। यहाँ पे जो आते हैं होस्ट वो यहाँ पे बैठते हैं, देन यहाँ पे कंटेस्टेंट बैठते हैं, देन वो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं गाइस। देख सकते हैं आप, देखिए। सो गाइस, अब मैं आपको मिलूँगा। देखिए देखिए ये कितना मस्त है, सुपर्ब है गाइस। देखिए मतलब गाइस कितना बड़ा एक सेट है ये। और अगर आपको मेन जो रियल है कौन बनेगा करोड़पति हिंदी का शो जो अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, सो कोई बात नहीं है, उसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी मैंने बनाया है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों, कोई बात नहीं है। तो अब हम चलेंगे मेन एंट्रेंस गेट पर, चलिए देखिए। पता है मैं आपको लाया हूँ मेन एंट्रेंस गेट से। तो देखिए दोस्तों, ये था मेन एंट्रेंस गेट। पहले मैं आपको जैसे ले गया था वो साइड का गेट था, बट ये है मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर लिखा भी देखिए दोस्तों, के में ब्लॉक से के लिखा है। और मैं आपको चलते हम अंदर। सो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स है बैठने के लिए, देख सक रहे होंगे गाइस। जो मेन रियल है कौन बने करोड़पति उससे बहुत बड़ा लग रहा है मुझे तो ये। और आपको कैसा लगा गाइस वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे लगी होती है गाइस स्क्रीन, देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ पे जो होस्ट होते हैं वहाँ पर कितनी बार यहाँ पर खड़े होकर मीन्स जो भी सब बोलते हैं गाइस। और चलिए गाइस, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लिखाया था, वहाँ पे लिखा था स्टाफ ओनली, उसी गेट में मैं आपको लेके जाता हूँ दोस्तों। चलिए जल्दी से जल्दी गाइस, वो रूम था स्टाफ के लिए। मतलब गाइस आप देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। और अभी तक अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो पर लाइक आइकन भी दबा दीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पर अंदर ऐसे ही सारे के सारे रूम गाइस रियली में यहाँ पर बेडरूम आते हैं, बट मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है। और ये है मीटिंग रूम, यहाँ पे सारे लोग बैठ के मीटिंग करते हैं दोस्तों। तो हम चलते आगे की ओर, चले। और ये है गाइस ये रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड, मैं आपको लैम्प लगा के दिखा था दोस्तों कि ये कैसा लग रहा है पूरा का पूरा। तो चलिए हम ले लेते टॉर्च, और देखिए दोस्तों ये मैं सब जगह लगा ले रहा हूँ। देखिए गाइस, ये बेडरूम है, ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पे सारे के सारे बेडरूम्स है गाइस। ये सारे रूम है कंटेस्टेंट के लिए, जो यहाँ पे भी आते हैं उनके लिए रूम बनाए गए। ये टॉयलेट बाथरूम है गाइस, तो कंटेस्टेंट के लिए रूम भी चाहिए पड़ेगा इसलिए दोस्तों। और गाइस यहाँ पे हेलीपैड भी है दोस्तों, वो ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए दोस्तों, ये एक और मीटिंग रूम है, और यहाँ पे सब कंटेस्टेंट के लिए रूम बनाए गए दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते आगे की ओर। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे से आने के बाद देखिए दोस्तों, ये एक और रूम आ जाता है सारे के सारे। यहाँ पे
साथ ही साथ कंट्रोल रूम है, सारा म्यूजिक रूम है एंड कंट्रोल रूम मतलब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के लिए और बाकी सब सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखा गया है ये दो रूम के लिए। दोस्तों फायर अलार्म है, वैसे बहुत सारे रूम्स सिक्योरिटी के लिए बनाए गए यहाँ पे। तो हम चलते हैं आगे की ओर। गाइस यहाँ पे इसी में दोस्तों हेलीपैड भी है इसके टॉप फ्लोर पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बस थोड़ी देर में। और देखिए गाइस ऊपर से कितना सुपर्ब लग रहा है। तो हम चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। चले देखिए गाइस ये गेट मैंने आपको बताया था यहाँ से तो एंट्री होने का। और यहाँ पे लिखा है कंटेस्टेंट ओनली, मतलब गाइस कंटेस्टेंट के लिए कुछ बनाया गया है। हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस भाई ये कुछ अंडरग्राउंड बेस रूम है दोस्तों। भाई कितना लंबा है भाई, हम टॉर्च लगा के जाएंगे आगे ताकि पता तो चले। अरे यहाँ से एकदम सीक्रेट रूम। अच्छा दोस्तों यहाँ से एंट्री होती है आपके मतलब दोस्तों सीक्रेट रूम से। देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, सो हम चलते आगे की ओर दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों हेलीपैड, जो कौन बनेगा करोड़पति इन मराठी का सेट पे टॉप फ्लोर मतलब टेरेस पे हेलीपैड बनाया गया है दोस्तों। सो चलिए ये रहा ऊपर जाने का रास्ता और इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये मेरा सेट कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम। देखिए ये आ जाता है भाई। देखिए दोस्तों ये एक और एंट्रेंस रूम मतलब गाइस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस। चलिए गाइस टेरेस पे लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है। देखिए दोस्तों और ये रही सीढ़ियाँ और ऊपर बारिश हो रही है। तो दोस्तों देखिए ये जो आपको लग रहा है ऊपर ऑफिस जैसा वही है हेलीपैड। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। देखिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा हेलीपैड। देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता होगा दोस्तों। और ये है हमारे जहाँ से हम अंदर आए थे, तब हम हमें देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते डायरेक्ट नीचे की ओर। सो चले गाइस हम थोड़ा डायरेक्ट एक जंप पे पहुँच जाएंगे। सो गाइस आपको ये मराठी का कौन बनेगा करोड़पति मराठी का सेट कैसा लगा माइनक्राफ्ट में वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे सेट करना ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलती रहेगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।